सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में आप लोगों को मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट बताने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है ये मगध यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, जिसे कि आज की ही डेट में यानी कि 30 सितंबर की डेट में रिलीज़ किया गया है। अब ये जो अपडेट है ये है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंस MU बोधगया एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर MLIS 2021। तो दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जामिनेशन टाइम है वो है दोपहर में 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक जो है आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थ्योरी पेपर्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों का जो थ्योरी का जो पेपर है वो 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, एक कंटिन्यूटी में आप लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा है, कहीं पर भी आपको स्टडी लीव का टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, दुर्गा पूजा का वेकेशन होगा तो उसमें भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। जितने भी नोट्स हैं उनको थॉरोली जाकर के अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो ताकि आपका एग्जामिनेशन एक अच्छे तरीके से जाए, ठीक है। तो 20 तारीख को आपका पेपर नंबर 1 है, 21 को आपका पेपर नंबर 2 है, ठीक है। इसी तरीके से 26 तारीख तक आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो प्रैक्टिकल का जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा वो 29 तारीख और 30 तारीख को होगा, मतलब 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट्स भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करें हम यहाँ पे सेंटर के बारे में, तो आप लोगों का जो सेंटर है वो बिल्कुल आपका जो भी कॉलेज है उसी में होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो, कि सेंटर फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन रिस्पेक्टिव कॉलेज, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ MU बोधगया। ये सब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ये जो नोटिस है इसे रिलीज़ किया गया है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन MU बोधगया के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टर साहब से सिग्नेचर भी कराया गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके काम की रही होगी, हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।